अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो मैं आपके साथ डर्मा शाइन ब्लीच क्रीम का रिव्यू जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। जिनको जो है वो ब्लीच करने में जो ब्राउन बाल अच्छे नहीं लगते, जो गोल्डन हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो डर्मा शाइन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो आज जो है वो मैं इसका रिव्यू होनेस्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि ये आपकी स्किन को कितना लाइटन करेगा, कितने टोन लाइटन करेगा। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। डर्मा शाइन का जो फेशियल है उसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोड है। तो आप इसके फुल फेशियल के बारे में भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो जो है वो वॉच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट जो है ये 400 to 500 तक आपको ये ब्लीच क्रीम मिल जाएगी किसी भी कॉस्मेटिक वाली शॉप से। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट या इसकी जो है वो FB पेज पे भी इसका जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, लिंक, वहाँ पे भी आप जो है वो इसको बाय कर सकते हैं। वरना ये इजीली जो है वो हर कॉस्मेटिक वाली शॉप से आपको मिल जाएगी। तो अगर हम इसकी मतलब के रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो वो मैं आपको शेयर करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। इसकी जो है वो आप कंसिस्टेंसी में आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में है, हार्ड नहीं है। तो एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से जो है वो होनेस्ट रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और मेरे पर्सनली जो है वो यूजेस में जो प्रोडक्ट होती है वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, या जो पॉलर्स में मैं यूज़ करती हूँ उनका रिज़ल्ट क्या है, पॉलर में क्या टिप्स होती हैं, कौन सी ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको मेरी किसी भी रेमेडी से या कोई भी टिप से कोई फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, इससे ये है कि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में है, हार्श नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जो है वो ब्लीच जो है वो आप लगाते हैं और आपकी स्किन रेड हो जाती है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है वो आपकी स्किन कितने टोन लाइटन होगी, तो 2 टोन जो है वो आपकी स्किन इससे लाइटन हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी स्किन जो है वो जो आपके हेयर्स हैं फेस पे, जो हेयर्स होते हैं वो गोल्डन नहीं होंगे, जस्ट आपकी स्किन जो है वो लाइटन होगी। अगर आप बालों को गोल्डन करना चाहते हैं तो फिर जो है वो आपको उसके लिए वॉल्यूम या डेवलपर ही यूज़ करना पड़ेगा, वो भी मेरे वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड है कि आप जो है वो पॉलर जैसा स्किन पॉलिश घर पे कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह जो है वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होनेस्ट रिव्यू के साथ जो है वो अपलोड करती रहूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और जो है वो मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर किसी ने ये यूज़ किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह आगे मैं होम रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।